वाओ, ये तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। क्या डॉक्टर मेघा आप मुझे बता सकते हैं सावन और लॉर्ड शिवा में क्या कनेक्शन है? सावन और श्रावण, ये महीना डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इस महीने में हम सब जानते हैं कि बारिश होती है। बारिश का काम क्या है? प्योरिफिकेशन। जैसे बारिश धरती को साफ करती है, ऐसे ही हम इस महीने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं जिस कारण हमारा मन पवित्र हो। लोग शिवलिंग पे जाके जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, घी अर्पण करते हैं, जिस कारण उनके पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। वो ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लॉर्ड शिवा का काम है डिस्ट्रॉय करना। आप जब उनकी भक्ति करते हैं, इस महीने में डेडिकेट है कि आप भक्ति करो, तो लॉर्ड शिवा आपके कार्मिक पैटर्न को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करेंगे और आपको ब्लेसिंग देंगे कि आप अपनी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स की ओर चल सको। तो ये जो पूरा महीना है, ये डेडिकेट है डिस्ट्रॉय करके ट्रांसफॉर्म करने का अपनी एनर्जी को, अपनी न्यू लाइफ के लिए।